केसीएन में आपका स्वागत है, मैं किंग हमीद। टीआर के इमीडिएट बाद 7 बजे जो आपने यहाँ प्रोटेस्ट रखा है, क्या इतना इमरजेंसी था क्या सर? बेशक, देखिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है, हर हमेशा अवाम के साथ। अगर अवाम के खिलाफ कोई भी कानून बनता है तो इसको एहतजाज करना, लोगों को अवेयर करना, ये SDPA का काम है। 15 साल से काम करने का रहे, ये जो CAA लागू कर करें, आज थोड़ा चर्चा क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग ये CAA इंडिया का मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो इसमें समझना ये है CAA क्यों आया। CAA इसलिए आया कि असम में NRC होने के बाद 19 लाख लोग बाहर रह गए डाउटफुल सिटीजन से, उसमें 12 लाख चिल्लर हिंदू कम्युनिटी, 5 लाख चिल्लर जो भी है मुस्लिम कम्युनिटी का आया। तो जब हिंदू कम्युनिटी का ज़्यादा नाम आया, नॉर्थ ईस्ट में बहुत हंगामा हुआ, तो उसका उस टाइम में अदर दैन मुस्लिम कम्युनिटी को, हिंदू एंड अदर कम्युनिटी को हम लोग सिटीजनशिप देंगे, ये वादा करें CAA के जरिए। तो राज्यसभा में बहुत लोकसभा में बताए गए कि क्रोनोलॉजी के हिसाब में बताए, पहले हम लोग CAA लाएंगे, उसके बाद हम लोग NPR NRC लाएंगे। इसका मतलब ये है CAA बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमान छोड़ के दूसरे कम्युनिटी वालों को, अगर उधर से आए हैं, रेफ्यूजी हैं और उधर से जुल्म का शिकार है, तो उनको सिटीजनशिप देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। हम इसको क्वेश्चन करते हैं, ये आर्टिकल 14 का खिलाफ है, जो क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 14 में कोई डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहिए। इसमें ये लोग देखिए, अगर जुल्म से आए हुआ रेफ्यूजीज बोले तो श्रीलंका का तमिलियंस जितना जुल्म का शिकार है वो लोग, और रोहिंग्यन मुस्लिम्स बर्मा में जो जुल्म का शिकार है, इन लोग को ये लोग नहीं देंगे, तो ये साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये इलेक्शन का एक एजेंडा है। दूसरी बात, CAA के बाद ये NRC लाएंगे, NRC में हर एक वो सिटीजन, उनका डॉक्यूमेंट प्रूव करना होगा। डॉक्यूमेंट क्या? रेशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इनका बर्थ सर्टिफिकेट होना पड़ता है, पासपोर्ट होना पड़ता है, लैंड डॉक्यूमेंट होना पड़ता है। तो इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अगर NRC आएगा हर इंडियन डॉक्यूमेंट लेके तहसीलदार का ऑफिस को जाना पड़ेगा। तो आज क्या समझे, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो ये समझना है। अगर समझो कि इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान है, अगर 1 करोड़ लोगों का भी डाउटफुल सिटीजन निकल गया, तहसीलदार लिखता है डाउटफुल बोलकर, डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है बहुत सारे लोगों से, उस टाइम में क्या कर सकता है डाउटफुल सिटीजन? उसके बाद ये प्रूव करना है, फॉरेन ट्रिब्यूनल को देंगे, उसके बाद उनका हक छीना जाएगा, वो सिटीजन नहीं रहेगा, यानी जिंदा लाश हो जाएगा। समझो 20 करोड़ में 1 करोड़ भी होया तो ये हालात क्या होगा। तो इंडिया का मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनने का जो सावरकर का आइडिया था, वो आइडिया को लागू करने के लिए RSS का एक फ्रेम्ड प्लान है। ये समझना, CAA क्या भी प्रॉब्लम नहीं करके बोलने वाले, ये समझना है, बहुत बड़ा डेंजरस है, हर कम्युनिटी को डेंजरस है, हर इंडियन को डेंजरस है ये हरत भी, क्योंकि मैंने बताया ना, असम में इंडिया में रहने के बावजूद भी 19 लाख लोग डाउटफुल सिटीजन आज भी है, खाली 3 करोड़ में, समझो 3 करोड़ में 19 लाख, दूसरा क्या होगा। तो इसलिए SDPI इसका डेंजरस को हम समझते हैं, दूरंदेशी को समझते हैं, क्योंकि असम में हम काम किए, हमारा कारकुन, हमारा एडवोकेट्स वॉलेंटियर होकर काम किए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो इसलिए हम लोग ये इत्तेजाज आज अर्जेंट किया, एक तो हम इसे ये मुतालबा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को CAA वापस लेना है, दूसरा कर्नाटका गवर्नमेंट सिद्धरामैया जी को हम करते हैं, तो आप डेयरिंग के साथ बोलना चाहिए, जैसा तमिलनाडु गवर्नमेंट, जैसा केरला गवर्नमेंट ने बताया, क्लियर स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेट में हम लोग CAA लागू नहीं करेंगे, ऐसा सिद्धरामैया साहब भी कर्नाटका में ऐसा एक स्टैंड लेना चाहिए, ये हमारे SDPA का डिमांड। सिद्धरामैया का स्टैंड लेने तक क्या आप लोगों को जागृत करते रहेंगे? 100%। देखिए ये रमजान होने के बावजूद भी हम लोग रास्ते पे आए हैं, तो इसका डेंजर हम लोग समझे हैं, तो पूरा मुल्क में हो लेकर है। और एक बात, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डिसीजन किया है, हम लोग इसका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, इसको चैलेंज हम करेंगे, कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे, सिर्फ रास्ते में नहीं, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे, गली गली में हम लड़ेंगे, जब तक एक स्टॉप नहीं होता
पूरा मुल्क भर में एहतजाज होगा। सर इसके अलावा आपने दो दिन पहले एक वक्त दिया था अभी अकबर के मुजरिमिन को सजा देने के लिए, उसका क्या सर आपने क्या स्टैंड? देखिए ऑलरेडी अभी उसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया हुआ, ऑलरेडी अरेस्ट किया है, अरेस्ट करके कोर्ट को प्रोड्यूस भी किया है, कोर्ट को प्रोड्यूस करके 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी भी लिया है। तो ये 7 दिन पूछताछ करेंगे ये लोग, पूछताछ करके ये लोग क्लियरली बताएंगे, क्योंकि ये 4 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। क्योंकि देखिए ये बाहर से आया किया हुआ बोलकर एक नोट है, ये अकमल मौलाना यही है बोलकर कोई लोग दिखाए, आइडेंटिफाई किया है, और ये लोगों को तीन स्कूटर में आया बोलते हैं। ये 3 स्कूटर किसका है, कौन लिया स्कूटर? के बाद ये बेंगलुरु तरफ गए हैं, बेंगलुरु रोड तक गए हैं बोलकर, रिंग रोड से गए हैं मालूम हुआ है। वो बेंगलुरु उसमें उनको बेंगलुरु को यानी दूसरा स्टेशन को ये लोग कौन लेके गया, कौन एस्कॉर्ट दिया, कौन कार में दिया, ये लोगों को शेल्टर कौन दिया, ये तमाम चीजें पुलिस डिपार्टमेंट करना है। एक एक आदमी भी ये जो मर्डर में साथ दिया है उनको अरेस्ट करना है। क्योंकि हमारा उलमा है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, सिर्फ एक फ्लेक्स के बारे में एक बात बोले बोलकर इतना बेरहमी से हमारे उलमा को जो मारा है, हरगिज हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते। हम बहुत भरोसा है पुलिस, मैसूर पुलिस में 100% ये लोग जो भी मुजरिम है एक एक को चुन के उनको करेंगे प्रोसिक्यूशन में प्रूव करेंगे, 100% अपना उम्मीद है सजा दिलाएंगे। और इस केस का एक एक दिन का फॉलो भी हम करेंगे। हमारे उलमा को मारे से वो लोगों को हम लोग ऐसा नहीं छोड़ेंगे। एक एक दिन का इस केस का क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है, हम फॉलो करेंगे। जब तक सजा नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग इसका इत्तेजाज करेंगे। सर एक और कंपोजिशन का भी एक डिमांड था आपका। यस, हम ऑलरेडी गवर्नमेंट हुकूमत को मुतालबा किया है 50 लाख रुपए कंपोजिशन देना चाहिए, इस फैमिली को सीएम मिलना चाहिए, ये तमाम चीजें हम लोग डिमांड किए हैं। अगर देखिए ये जो हमारे अकमल मौलाना के भाई पंडू साहब है, कांग्रेस का लीडर है, कांग्रेस का लीडर होने के बावजूद भी कांग्रेस का लीडर्स कोई भी इनका घर को विजिट नहीं किया, एमएलए विजिट नहीं किया। बहुत अफसोस होता है तनवीर सेठ साहब के बारे में, ये जनाजे के नमाजे तक तुम नहीं आते, तुम्हारा ही कांग्रेस का कॉरपोरेटर का भाई का इंतकाल में इंसिडेंट कोई भी हो, आप इंसान है, आप एक नुमाइंदा है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव है, खाली एक जनाजे के नमाज को आप मैसूर में रहकर आप जो है अल्फा हॉस्पिटल में इनॉग्रेशन के लिए गए उस दिन मैसूर में थे, मैसूर में रहने के बावजूद एक आलिम के जनाजे को नहीं आते बोले तो आप कौन सी नुमाइंदा है, समझ में नहीं आता। अब तो सुधरो तनवीर सेठ साहब, एक भाई होकर, एक होम की भाई होकर रिक्वेस्ट करते, अब तो सुधरो, क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? क्या मॉडल दिखाएंगे हमारे नौजवानों को, क्या संदेश देते हैं आप ये हमारे नौजवानों को? ये बिल्कुल सही नहीं। कांग्रेस का कोई लीडर विजिट नहीं किया, कोई एमएलए विजिट नहीं किया, हरीश गौड़ा एमएलए कहां है, हमारे वोट के लिए हमारे पास आते हैं, क्या विजिट किया जहां से कह नमाज को विजिट किया हरीश गौड़ा, दूसरे जितने भी एमएलए से कांग्रेस का आजू बाजू में कोई आया? और कांग्रेस को वोट दलाने वाले जितने भी लोग, आज आंसर करो, एक उलमा का कत्ल उलमा का हुआ है, ये रवैया बर्दाश्त नहीं है। मीडिया वाले पूछना है, सर हमने सवाल किया, कहां किया आप तनवीर सेठ साहब क्यों जनाजे के नमाज में नहीं आए बोलकर एक पूछने का हिम्मत नहीं आप लोगों को? बहुत अफसोस होता है। क्या दिया था, हिम्मत की बात कर रहे हैं आप, हमने हमेशा हमारी मैंने बहुत अफसोस आता है, दर्द है, आपको रेस्पेक्ट करता हूँ, मगर ये क्वेश्चन आप नहीं चुते, आप मैसूर में रहकर जनाजे के नमाज क्यों नहीं आए, पूछना है ना मीडिया ने, पूछना है ना। जुबानी हमने ये जाना कि बशीर साहब ने सरेंडर हो गए, वरना तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि वो सरेंडर हुए। सरेंडर का मसला नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए ये हादसा छोड़िए, एक आलिम का इंतकाल हो गया, एक आलिम का जनाजे के नाम, हजारों तादाद में आलिम लोग, कारपोरेटर लोग शिरकत करे, अयूब साहब थे, अल्ताफ भाई से बहुत सारे लोग थे, एक एमएलए नुमाइंदा होकर मैसूर में रहकर जनाजे के नाम आप बयान दो, नहीं बोलता मैं जनाजे, ये एक संदेश आपका नौजवानों को, आपका एक लोगों को एक संदेश जाता है, कौम को एक संदेश जाता है, ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते,
एक भाई होकर बोल रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, एक भाई होकर समझा रहा हूं तनवीर सेठ साहब को, ऐसा रवैया सही नहीं है आप कभी भी। ऐसे जो भी इंतकाल होते हैं जो दर्द का टाइम में उन शिरकत करना, घरों के जाकर उनको इत्मीनान दिलाना, वो कल आपका कारपोरेटर मुजरिम रहेगा कांग्रेस।